हेलो दोस्तों, रॉबर्ट मर्टन को आगे कंटिन्यू करते हुए उनके नेक्स्ट लेक्चर कवर करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल पैराडाइम। कि फंक्शनल पैराडाइम दिया एक रॉबर्ट मर्टन ने, इसका मतलब क्या है? देखो, पैराडाइम का मतलब क्या होता है, जनरली हमने पहले बात की हुई है यहाँ पर। पैराडाइम का सिंपल एक जो हमारे पास मतलब है, दैट इज कि एक तरीका काम करने का। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होती है, और एक पैराडाइम का मतलब एक तरीका जिस जिस तरह से लोग सोचते हैं, लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं पैराडाइम का, अगर मैं आपको चाहूं थोड़ा सा और क्लियर करना, पैराडाइम इमेजिन करो कि जब डर्कहाइम वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो पैराडाइम क्या है, काफी साइंटिफिक ओरिएंटेड है, साइंस ओरिएंटेड है, एंड पॉजिटिविज्म ओरिएंटेड है। पैराडाइम के सारे जो थिंकर्स एक तरह से सोचते हैं वो क्या है, साइंस। देन ग्रेजुअली वेबर के आते आते उसके आगे कहानी चल रही है, तो पैराडाइम में थोड़ा बदलाव आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा इंडिविजुअल पर फोकस बन रहा है। अकॉर्डिंगली मर्टन बोलता है कि अगर आपको किसी चीज के फंक्शन के बारे में जानना है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन को समझना है, तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं कि कैसे सोचो। देखो, मर्टन अगेन थोड़ा सा प्रोफेसर एंड वो वाले मोड में जाके बच्चों की हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, कि जो आगे उनके स्टूडेंट्स होंगे उनको किस तरह से मदद हो सकती है। कि अगर किसी चीज को, लेट्स से अगर स्टूडेंट है, उनके पास जाके बोलता है, सर मुझे जानना है कि कोई चीज फंक्शनल है या नहीं, आप मुझे तरीका बताइए कि मैं क्या करूं। तो मर्टन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं आपको फंक्शनल पैराडाइम देता हूं, हाउ टू इमेजिन, हाउ टू थिंक कि कोई चीज फंक्शनल है या नहीं। ये अब एक एक चीज यहां पर स्टेप बाय स्टेप ये लिख देंगे। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जो मर्टन का यहां पे बहुत ही ज्यादा कौन सा वाला पॉजिटिविस्टिक बायस नजर आता है। पॉजिटिविस्टिक बायस क्यों? क्योंकि एक एक चीज का स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, स्टेप बाय स्टेप। 6-7 स्टेप का एक प्रोसेस है, आप इसको याद करोगे, पेपर में 10 मार्क्स टाइप का आपको आएगा, ये 15 मार्क्स का। आपने डायरेक्टली इसको रिप्रोड्यूस करना है विद इसके फायदे नुकसान। चलो ठीक है, देखते हैं स्ट्रेट अवे। यहां पर जैसे पहला स्टेप क्या है फंक्शनल पैराडाइम में, फर्स्ट स्टेप इज अबाउट, इसको उठाते हैं, ओके, फर्स्ट स्टेप इज अबाउट, ये देखो क्या स्टेप के पहले यहां पे एक लाइन लिख दी हमने, आपके नोट्स में डल जाएगी ये, कि ये एक मेथड डेवलप करने का एक तरीका है, कि मेथडोलॉजिकल पुश है, कि फंक्शनल एनालिसिस कैसे किया जाए किसी चीज का, उसको मेथड के थ्रू समझा जाए। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेटर को, कोई चीज देखनी है कि वो फंक्शनल है या नहीं। ओके, तो इससे आप क्या कर पाओगे, अल्टीमेटली फंक्शनल थ्योरीज बना पाओगे, यू विल बी एबल टू डेवलप वेरियस फंक्शनल थ्योरीज। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कि आपने देखना है जो आइटम जिसको आप स्टडी कर रहे हो, सोशल आइटम अंडर स्टडी, ये क्या करती हो, ये इट शेल फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न। ऐसी चीज जो कभी रेयर अकरेंस है, कभी हुई कभी नहीं हुई, उसको स्टडी कहते हैं, मर्टन बोलते हैं कि उसको स्टडी नहीं करना, स्टैंडर्डाइज पैटर्न होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से फैमिली है ना, और मैरिज और बहुत सारे और तरह की चीजें, एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज, ये जो स्टैंडर्डाइज पैटर्न है, कि जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, जो बर्थ रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं, दे कैन वेरी है ना, दे कैन वेरी, कि हो सकता है कहीं पे कलर बेस्ड हो, कहीं पे कास्ट बेस्ड हो, कहीं जेंडर बेस्ड हो, एंड मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज पैटर्न होना चाहिए, उसी को ही स्टडी करना है, पहली चीज। तो ये जो रेयर अकरेंसेज हैं उनको छोड़ दो, मर्टन बोल रहे हैं कि उनसे हम कुछ फायदा खास या फंक्शनल एनालिसिस खास नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड वो बोल रहे हैं कि आपने जो दूसरी जो स्टेप क्या उठाना है, कि आपने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है, कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या मीनिंग्स अटैच किए जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ऐसा करते हुए क्या करोगे, आप बाउंड्रीज डिफाइन करोगे स्टडी की। कि मैं स्टडी ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं, आप बोलोगे लेट्स से ये जो स्टडी है इट इज एप्लीकेबल ओनली इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, आप बोलोगे दिस स्टडी इज एप्लीकेबल इन पार्ट्स ऑफ पंजाब, इन तमिलनाडु, ऐसे बोलोगे आप, बाउंड्रीज जो स्पेसिफाई करोगे, कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा ना उसमें, कि कल्चर कहते बहुत रैपिडली बदलते हैं, नॉर्म्स बहुत रैपिडली बदलते हैं, तो आपको बाउंड्रीज सही सेट करनी बहुत जरूरी है स्टडी की। अदरवाइज कह रहे हैं कि ग्रैंड थ्योरीज का वक्त गया, अब ग्रैंड थ्योरीज नहीं बना सकते, कोई चीज फंक्शनल कहीं पर है एंड कहीं और पे नहीं होगी, दैट्स इट। तो बाउंड्री सेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक जो स्टेप था, यहां तक समझ गए आप, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जानते रहो। एंड देन तीसरा आता है, वो कह रहे हैं कि बच्चे पूछते सर तरीका कौन सा यूज करें, कह रहे दोनों, प्राइमरी सोर्स से भी सामान उठाओ, सेकेंडरी से भी सामान उठाओ, ठीक है, दोनों ही आप सोर्सेज से उठाओ, जो जो अपने नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ही थ्योरी बनेगी। एंड देन अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, वो कह रहे हैं जो भी चीज जिसको स्टडी कर रहे हो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन जानो। मैनिफेस्ट क्या था, कल हमने पढ़ा था मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या था, वो जो चीज इंटेंडेड है कि आपने ये एक्शन क्यों किया,
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि आप जाके लोगों से पूछो एंड समझने की ट्राई करो कि भाई आपने ये एक्शन क्यों लिया, आप क्या इंटेंशन थी आपकी इस एक्शन के पीछे। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपना पांचवा स्टेप है कि लेटेंट फंक्शन जानो, कि अब ये जो चीज पर्टिकुलर जो एक्शन ले लिया गया है, जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसके कारण लेटेंट क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं जो जो एक्टर को पता नहीं है, एक्टर ने इंटेंशनली नहीं किया, इंटेंडेड एक्शन नहीं था, अन इंटेंडेड एक्शन है ना, कल हमने बात की थी, तो लेटेंट जान लो। एंड देन उसके बाद बोल रहे हैं कि छठा स्टेप में क्या, देखो मर्टन ने जो जो पढ़ाया मर्टन सब लिखते जा रहे हैं, कहने कि उस चीज का डिसफंक्शन जान लो, जो भी चीज आप स्टडी कर रहे हो, मान लो रिलीजन स्टडी कर रहे हो उसका डिसफंक्शन, फैमिली स्टडी कर रहे हो उसका डिसफंक्शन, उस सब का डिसफंक्शन जान लो। एंड सातवें नंबर पे वो बोलते हैं कि फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, जिस भी चीज को स्टडी कर रहे हो उसके अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में लिखो। एंड देन लास्ट आखिरी स्टेप इज नेट बैलेंस, लिख दो कि ये देखो जी पूरी मैंने स्टडी करी है, इसका नेट बैलेंस ये निकल के आता है कि ये इसके लेटेंट, ये मैनिफेस्ट, ये डिसफंक्शन, ओवरऑल अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, एंड ये नेट बैलेंस कि ये चीज ओवरऑल फंक्शनल है या नहीं है। ठीक है, मैं क्विकली रिपीट करता हूँ फंक्शनल पैराडाइम क्या होता है। पहला वो बोलते हैं जिस भी चीज को स्टडी करना है वो स्टैंडर्डाइज पैटर्न फॉलो करती होनी चाहिए, उसके आसपास जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफाई करो, बाउंड्री डिसाइड करो कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये चाहते हो चीज को स्टडी करना, सोर्सेज कौन से पढ़ोगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों, मैनिफेस्ट फंक्शन देखो, लेटेंट फंक्शन देखो उस चीज का, डिसफंक्शन देखो एंड ऑल्टरनेटिव देखो, उसके बाद नेट बैलेंस निकाल दो, आपको पूरा जो आपको फंक्शन के बारे में आइडिया हो जाएगा ये चीज जो एग्जिस्ट करती है फिनोमेना जिसकी बात हो रही है वो फंक्शनल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये था फंक्शनल पैराडाइम, छोटा सा वीडियो है ये वाला, अगला वीडियो उसमें हम करेंगे अब कंटिन्यू मिडिल रेंज थ्योरीज, ये हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, एमआरटीज डिस्कस करते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं जल्दी।